Dear students, we have seen in a previous class, our topic was the Salt March and the Civil Disobedience Movements. And today, let us see our topic, how participants saw the movements. How participants saw the movements? लोगों ने आंदोलन को किस प्रकार लिया? इस मूवमेंट्स को लोगों ने किस प्रकार से, किस वजह से उन्होंने लिया, ये देखते हैं. Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movements. Different social groups को हम देखते हैं जिन्होंने सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था. व्हाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट्स? उन्होंने मूवमेंट्स को ज्वाइन क्यों किया? व्हाट वर देयर आइडियल्स? उनके आइडियल्स क्या थे? उनके आदर्श क्या थे? व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम? और उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे, क्या मीन थे, ये हम देखते हैं. इन द कंट्री साइड, सबसे पहले हम गाँवों में देखते हैं. गांवों में इस सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट्स को किस प्रकार लिया? रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज, संपन्न किसान समुदाय, जैसे लाइक द पाटीदार ऑफ गुजरात एंड द जाट ऑफ उत्तर प्रदेश. गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट इस मूवमेंट्स में वर एक्टिव इन द मूवमेंट्स. इस मूवमेंट्स में वो एक्टिव थे. Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी, depression. इसके अलावा गिरती कीमतों से वो बहुत परेशान थे. कौन परेशान थे? एक तो पाटीदार और एक जो जाट थे उत्तर प्रदेश के. ये दोनों जो है कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे और इनके ऊपर हीट पड़ी थी. हीट किसकी पड़ी थी? ट्रेड डिप्रेशन की एंड फॉलिंग प्राइसेस की. एज देयर कैश इनकम दिस अपीयर, जब उनकी कैश इनकम खत्म होने लगी, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड. तो उनके लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू चुकाना नामुमकिन हो गया था. एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइडर स्प्रेड रेजेंटमेंट. तो सरकार लगान जो है कम करने को तैयार नहीं थी, तो चारों तरफ जो था वो असंतोष था. जो असंतोष था वो चारों तरफ से जो है फैल गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिफ्यूजल कर दिया था to reduce the revenue. Demand led to widespread resentment. These rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movements. तो इससे क्या हुआ? इससे संपन्न किसानों ने सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट्स में जो है उन्होंने एक्टिव रूप से उन्होंने समर्थन किया. बढ़ चढ़ कर उन्होंने इसका सपोर्ट किया. ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एंड एट टाइम फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स. ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज, उन्होंने अपने कम्युनिटीज को एकजुट किया, संगठित किया, उनको ऑर्गेनाइज किया. एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स, और कई बार जो रिलक्टेंट मेंबर्स थे, यानी जिनकी इच्छा नहीं थी इस मूवमेंट्स में भाग लेने के लिए, तो उनको जो है बहिष्कार के लिए उनको मजबूर किया टू पार्टिसिपेट इन द बायकॉट प्रोग्राम. जो बायकॉट प्रोग्राम था, बहिष्कृत प्रोग्राम था, उसमें उनको जो है मजबूर किया कि वो भी बायकॉट में हिस्सा ले.
For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenues. उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी, जो रेवेन्यूज था उनके खिलाफ उनकी लड़ाई थी, जो लड़ रहे थे फाइट वो रेवेन्यूज के अगेंस्ट वो लड़ रहे थे. बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड. लेकिन जब 1931 में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया तो रेवेन्यूज के रिवाइज के बिना ही जब इस आंदोलन को वापस ले लिया गया तो उनको बड़ा डिसअपॉइंट हुआ. दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 में जब मूवमेंट्स को कॉल ऑफ कर दिया गया तो वो डीपली डिसअपॉइंटेड हुए विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज. द रेवेन्यू रेट्स थी उसको रिवाइज किए बिना ही इस मूवमेंट्स को 1931 में कॉल ऑफ कर दिया गया तो वो डीपली डिसअपॉइंटेड हुए. सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 में जब मूवमेंट्स दोबारा चालू हुआ, मैनी ऑफ देम रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट. तो उनमें से बॉसों ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया. ये कंट्री साइड की बात हो रही है. द पुअरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लावरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड. गरीब किसान केवल लगान में कमी ही नहीं चाहते थे. जो पुअर पीजेंट्री वर्ग था वो केवल इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि जो रेवेन्यू डिमांड है उसको कम कर दिया जाए या उसको रिड्यूस कर दिया जाए, उनकी और भी डिमांड थी. मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड द हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स. उनमें से बहुत सारे इसी लैंडलॉर्ड्स के पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे. उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जो कल्टिवेटिंग कर रहे थे, टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड के ऊपर वो काम कर रहे थे. यानी जो लैंडलॉर्ड्स के जो पट्टे थे टेनेंट्स थे उनके ऊपर वो कल्टिवेटिंग कर रहे थे. एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड, जब डिप्रेशन लंबा चला, महामंदी का दौर जो है वो लंबा चला है, कैश इनकम विंडल्ड. और इसके अलावा नगद आमदनी गिरने लगी, कैश इनकम जो है कम होने लगी. द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्टी टू पे देयर रेंट्स. तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल होने लगा. दे वांटेड, वो चाहते थे द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड. वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसको वो माफ कर दिया जाए. दे वांटेड टू अनपेड रेंट, रेंट से अनपेड कर दिया जाए, जो लैंडलॉर्ड उनसे लेते थे उनसे उनको मुक्त कर दिया जाए. द जॉइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स. इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल मूवमेंट्स में हिस्सा लिया. ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिटीज, जिनका नेतृत्व सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों ने किया था उनमें उन्होंने हिस्सा लिया. अप्रेहेंसिव ऑफ राइजिंग इश्यू दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस. अप्रेहेंसिव ऑफ राइजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स. अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी से कांग्रेस बाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में जो है वो हिचकिचाती थी. द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कंपेन. नो रेंट कंपेन में जो है कांग्रेस जो है वो इच्छुक नहीं थी इन मोस्ट प्लेसेस. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेंड अनसर्टेन. इसी कारण से गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच जो संबंध थे, जो रिलेशनशिप थी वो निश्चित रही. व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, ये तो हमने कंट्री साइड के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ते हैं बिजनेस क्लास के बारे में. बिजनेस क्लास ने क्या किया, बिजनेस क्लास की स्थिति कैसी थी
को हम देखते हैं, हाउ डिड द रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बारे में क्या रुख अपनाया वो हम देखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। पहले विश्व युद्ध के दौरान इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ने काफी मुनाफा कमाया था और वो ताकतवर भी हो चुके थे, बिकम पावरफुल, पावरफुल भी हो चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो जो मर्चेंट्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने काफी ह्यूज प्रॉफिट्स जो है हैड मेड बनाया था एंड बिकेम पावरफुल, और जो वो पावरफुल हो चुके थे। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। तो अपने बिजनेस को एक्सपेंडिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कॉलोनियल पॉलिसीज का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। उन्होंने जो है जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी उनका उन्होंने अगेंस्ट रिएक्ट किया, जिसके कारण जो है उनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज थी वो रेस्ट्रिक्टेड हो रही थी। दे वांटेड प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन चाहते थे अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन गुड्स जो इम्पोर्ट हो रही थी उससे वो प्रोटेक्शन चाहते थे, यानी वो विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। एंड रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिसकरेज इम्पोर्ट्स, रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय में जो अनुपात था उसमें भी वो बदलाव चाहते थे, जो रेशियो था फॉरेन एक्सचेंज रेशियो उसमें भी वो बदलाव चाहते थे। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए, दे फॉर्म्ड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। अपने व्यावसायिक हितों को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन किया, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो 1920 में हुआ था। इसके अलावा एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की FICCI इन 1927। इसके अलावा 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का भी गठन किया गया 1927 में। तो ये बातें, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का ऑर्गेनाइज किया गया एंड 1927 में द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का ऑर्गेनाइज किया गया, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठक्कर दास एंड जी डी बिड़ला। इनका नेतृत्व जो किया था जाने माने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जी डी बिड़ला, जिस प्रकार ये जाने माने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड। तो इस प्रकार जो उद्योगपति थे इन्होंने नेतृत्व किया और इन उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कॉलोनियल कंट्रोल का विरोध किया और पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया, इन्होंने सपोर्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसके अलावा उन्होंने आर्थिक सहायता भी दी, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उन्होंने गेव किया। एंड रिफ्यूज्ड टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स, इसके अलावा आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इन्होंने इनकार कर दिया, जो इंपोर्ट हो रही थी गुड्स उनको बेचने से उन्होंने मना कर दिया। बाय एंड सेल, बाय और सेल करने से उन्होंने जो है रिफ्यूज कर दिया, जो
इम्पोर्टेड गुड्स थी जो आयातित वस्तुएं थी उनको बाय करने से सेल करने से उन्होंने जो है रिफ्यूज कर दिया. मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस और बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट. ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे, एक ऐसे युग के रूप में वो इसको देखते थे. मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एट टाइम व्हेन कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लॉरिश विदाउट कंस्ट्रेंट्स. तो उसको एक युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी और व्यापार उद्योग जो है निर्विघ्न रूप से जो है फलते फूलते रहेंगे. तो इस प्रकार उन्होंने इस प्रकार का युग उन्होंने देखा जहां पर जो उद्योग और व्यापार है वो जो है फ्लोरिश होंगे, इस प्रकार का उन्होंने युग देखा. बट आफ्टर द फेलर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद में, जब गोलमेज सम्मेलन हुआ और वो फेल हो गया. बट आफ्टर द फेलर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने पर बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर अनफॉर्मली एंथुसियास्टिक. तो जो व्यावसायिक संगठन थे उनका उत्साह भी जो है वो जाता रहा. दे वर एप्रिहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज. उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था कि जो है जो मिलिटेंट एक्टिविटीज है वो स्प्रेड नहीं हो जाए, इनका उनको फियर था. एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग्ड डिस्ट्रप्शंस ऑफ बिजनेस. और इसके अलावा और लंबी अशांति की भी उनको आशंका थी कि जो है प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शंस जो है वो हो जाएगा, यानी उनको अशांति की आशंका थी. एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंगस्ट द यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस. इसके अलावा कांग्रेस के जो यंगर मेंबर्स थे उनमें सोशलिज्म के बढ़ते प्रभाव से भी वो डरे हुए थे. The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large numbers. औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट्स में जो है बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया. Except in the Nagpur regions, नागपुर regions को छोड़कर. नागपुर के अलावा जो industrial working class थी उन्होंने सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, केवल नागपुर में किया था. एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस. जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे वर्कर्स स्टेड अलूफ. मजदूर कांग्रेस से जो है दूर होते जा रहे थे. बट इन स्पाइट ऑफ दैट, लेकिन फिर भी some workers did participate in the civil disobedience movements. फिर भी कुछ मजदूरों ने civil disobedience movements में हिस्सा लिया. Selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movements against low wages and poor working conditions. लेकिन फिर भी कुछ वर्ग ने, कुछ मजदूरों ने सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट्स में उन्होंने भाग लिया. उन्होंने जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को, कम वेतन, खराब कार्य परिस्थितियों के खिलाफ उसको अपने मूवमेंट्स को जोड़ लिया था उन्होंने. देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930. 1930 में रेलवे कामगारों की हड़ताल हुई. जो रेलवे वर्कर्स थे उन्होंने जो है वर्किंग कंडीशंस के कारण, पुअर वर्किंग कंडीशंस के कारण जो है उन्होंने हड़ताल कर दी. कब की? 1930 में. एंड
डॉक वर्कर्स इन 1932 और 1932 में जो डॉक वर्कर्स थे उन्होंने भी हड़ताल कर दी. इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस वॉर्ग गांधी कैप. इसके अलावा 1930 में छोटा नागपुर के जो टिन खाने थी वहाँ के हजारों मजदूरों ने भी गांधी के पहन कर एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज रैली करके एंड बायकॉट कैंपेन्स बहिष्कार अभियानों में उन्होंने हिस्सा लिया. जो बायकॉट कैंपेन्स थे उनमें उन्होंने हिस्सा लिया 1930s में. बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल. फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में जो है वो आनाकानी कर रही थी, हिचकिचा रही थी. इट फेल्ट दैट दिस कांग्रेस को ये लगता था दिस वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइडेड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस. उसको ये लगता था कि इससे इंडस्ट्रियलिस्ट मूवमेंट से दूर चले जाएंगे और सोशलिज्म विरोधी ताकतों में जो है फूट पड़ जाएगी. अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था. वुमेन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था लार्ज स्केल. बड़ी संख्या में औरतों ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में जो है पार्टिसिपेट किया था. ड्यूरिंग गांधी जीज साल्ट मार्च, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान थाउजेंड्स ऑफ वुमेन कैम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम. औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी. द पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेज में हिस्सा लिया. मैन्युफैक्चरर्ड साल्ट नमक भी बनाया एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्वर शॉप्स, और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की उन्होंने पिकेटिंग की, धरना दिया. मैनी वेंट टू जेल, और बहुत सारी महिलाएं जो थी वो वेंट टू जेल, जेल भी गई थी. इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में दीज वुमेन्स वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज. जो अर्बन एरियाज थे उनमें ज़्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं एक्टिव थी, सक्रिय थी. इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड्स. जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं मूवमेंट्स में हिस्सा ले रही थी. मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, गांधी जी के आह्वान के बाद दे बिगेन टू सी सर्विसेज टू द नेशन एज ए सेक्रेट ड्यूटी ऑफ वुमेन. औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था कि राष्ट्र की सेवा करना जरूरी है, ये अपना पवित्र दायित्व है. उन्होंने ये फेल्ट किया. जब गांधी जी ने उनको अर्ज किया तो उन्होंने इसको अपनी ड्यूटी माना, सेक्रेट ड्यूटी माना, नेशंस की सेक्रेट ड्यूटी माना उन्होंने. येट लेकिन दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंजेज इन द वे द पोजिशन ऑफ वुमेन वाज विजुअलाइज्ड. लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस बढ़ोतरी का मतलब ये नहीं था कि स्थिति में कोई भारी चेंज आने वाला था, कोई ग्रेट चेंज आने वाला नहीं था. जैसे वुमेन्स ने इनमें हिस्सा लिया तो इससे ये नहीं लगता था कि जो है मूवमेंट्स में जो है ज़्यादा चेंज आएगा, ज़्यादा भारी बदलाव आएगा. गांधी जी वाज कन्विंस्ड, गांधी जी का मानना था दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हेल्थ. गांधी जी ये मानते थे कि घर चलाना और घर का जो वर्क है उसको संभालना जो है उनका वर्क है. लुक आफ्टर होम एंड हेल्थ विद गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स. तो घर चलाना, घर संभालना, अच्छी माँ अच्छी पत्नी की भूमिकाओं को निर्वाह करना जो है वो मानते थे. एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलो वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम
इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में जो महत्वपूर्ण पद थे, जो पोजीशन थी ऑफ हाई अथॉरिटी की, यानी संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से कांग्रेस जो है रिलक्टेंट करती थी, हिचकिचाती थी। इट वाज कीन ओनली ऑन द सिंबॉलिक प्रेजेंस। कांग्रेस को उनकी केवल सिंबॉलिक प्रेजेंस ही अच्छी लगती थी, या वो केवल उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति थी में ही वो दिलचस्पी रखती थी। यानी कांग्रेस जो है महिलाओं को केवल केवल सिंबॉलिक प्रेजेंस के रूप में ही देखना चाहती थी। सम इम्पोर्टेंट डेट्स है वो हम देख लेते हैं। 1918-19 इसमें क्या हुआ? दिस ट्रेस्ड यूपी पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्र। इसमें बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश को किसानों को उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं, पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं बाबा रामचंद्र 1819 में। अप्रैल 1919 में क्या होता है? गांधीयन हर्टल अगेंस्ट रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है ये जो गांधीयन हर्टल, गांधीयन हड़ताल हड़ताल होती है, रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल जो है होती है जलियांवाला बाग मैसेक्रे, और इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में, ध्यान रखना है अप्रैल 1919। जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्च्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी 1921 में कौन सी इंसिडेंट होती है? असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्च्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1921, जनवरी 1921। इसके अलावा फरवरी 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट्स होती है, गांधी विड्रा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, और गांधी जी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को विड्रा करते हैं, यानी गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं फरवरी 1922 में, ध्यान रखना है। गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को विड्रा कब करते हैं? फरवरी 1922 में। चालू कब करते हैं ये भी ध्यान रखना है, चालू कब होता है और ये विड्रा कब होता है, लॉन्च कब होता है और इसको विड्रा कब किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना। जनवरी 21 में तो इसको लॉन्च किया जाता है एंड विड्रा किया जाता है फरवरी 1922 में। मई 1924 इसमें एलूरी सीताराम राजू अरेस्टेड एंडिंग ए 2 ईयर आर्म ट्राइबल स्ट्रगल। अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी 2 वर्ष से, एलोरी सीताराम राजू की अरेस्टिंग होती है और 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष जो है वो समाप्त हो जाता है। आर्म्ड ट्राइबल स्ट्रगल जो है वो उसका एंड हो जाता है। दिसंबर 1929 ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें लाहौर कांग्रेस अधिवेशन होता है, कांग्रेस एडॉप्ट द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, और इसके अलावा कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है, ये भी इम्पोर्टेंट है दिसंबर 1930 में क्या होता है? अंबेडकर एस्टेब्लिश डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। मार्च 1930 में क्या होता है? गांधी जी बिगिन सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट्स बाय ब्रेकिंग साल्ट लॉ एट दांडी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मार्च 1930 में गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट्स को लॉन्च करते हैं, शुरू करते हैं। मार्च 1931 में क्या होता है? गांधी जी एंड सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट्स 1931 मार्च 1931 में सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट्स जो है वो वापस ले लिया जाता है। दिसंबर 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है वो दिसंबर 1931 में होता है। इसके अलावा 1932 में सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट रीलॉन्च किया जाता है, यानी सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट्स को वापस चालू किया जाता है 1932 में। तो 2 बार ये जो है चालू होता है सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट्स। तो ये डेट्स जो है आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट्स है, इनको आपको लर्न करना है
तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो हमने पढ़े थे हाउ पार्टिसिपेंट्स शायद द मूवमेंट्स जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स हुआ था उसमें जो विभिन्न सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने इस मूवमेंट्स को किस वे में लिया, अलग अलग वर्गों ने इस मूवमेंट्स को अलग अलग तरीके से देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।